हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा की कुकिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो रेसिपी है ये बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी है। इसको आप चाय के साथ स्नैक की तरह इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो उसके लिए हमने दो मकई को छील कर ले लिया है। उसको पहले हम उबाल लेंगे। तो इसको हम 5 मिनट तक उबालेंगे और थोड़ा फ्लेम हाई ही रखेंगे। और उसमें सिर्फ हमने नमक डाला है उबालते समय। तो यह हमारा जो मक्का है ये अच्छी तरीके से उबल चुका है। इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच मैदे का आटा डालेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक डालकर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ड्राई लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हाथों की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं। इसको हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनाना है। इसको हमें बस थोड़ा सा मतलब ये जो इसका मिक्सर है अच्छी तरीके से मिल जाए, इतना ही हमें इसको मिलाना है। और मिलाने के बाद हम इसको देखिए, आप देख सकते हैं, इसको हमें इतना ही थिक रखना है। इसको हमें पतला नहीं करना है क्योंकि हम इसको बहुत ही क्रिस्पी बना रहे हैं। तो ये जो तलने के बाद ना ये एकदम मतलब ये जो एक एक दाने हैं ना अच्छी तरीके से बिखर जाएंगे और इसमें खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इस तरीके से आप चम्मच की मदद से इसको तेल में फ्राई कर लीजिए और एकदम क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करिए। ये इसी तरीके से आप इसको बनाइए। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ड्राई ही रख सकते हैं। और आप अगर मतलब आप इस तरीके से भी बनाएंगे तो ये तलते समय मतलब खुल जाएंगे और एक एक दाने अच्छे तरीके से क्रिस्पी होकर ये देखिए इस तरीके से आप तलते जाएंगे और इसके जो दाने हैं वो इस तरीके से बिखर जाएंगे और अलग अलग होकर ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हमारा जो ये अच्छी तरीके से हो चुका है तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और निकाल कर इसको हम देखिए ये एकदम अच्छी तरीके से गोल्डन हो गया है। तो हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे और ये अच्छी तरीके से पक भी गया है और थोड़ा क्रिस्पी भी हो गया है। तो इसका जो कलर है ये देख रही हैं आप कितना इसको देखने में अच्छा लग रहा है और एक एक दाने पर एकदम अच्छी लेयर आई है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। फिर आप चाहे तो उसको वैसे ही खा सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा इसको प्याज और जो नींबू है उससे इसको मिक्स कर दीजिए और आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें चाहे तो हरी मिर्च और ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा स्पाइसी खाना है तो। नहीं तो आप इसी तरीके से इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी है। इसको हमने पुदीना से डेकोरेट किया है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक